तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे अपने स्टेप मदर से प्यार हो जाता है। तो वो अपने स्टेप मदर की तरबूज पेलने के लिए क्या क्या करता है ये हम इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम पीटर था और लड़की का नाम एना था। और एना पीटर की सेकेंड वाइफ है और उसकी फर्स्ट वाइफ का नाम रेबेका है। रेबेका और पीटर का एक बेटा भी है जिसका नाम टीटू है और पीटर टीटू को बहुत पसंद करता है। इसी हफ्ते टीटू इन लोगों के साथ रहने के लिए आने वाला है, इसीलिए पीटर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। कुछ दिनों के बाद टीटू आ जाता है तो पीटर उसे घर लाता है और एना से मिलवाता है और एना की बेटियां वेलकम कार्ड और एक किचन गिफ्ट करती हैं। इसके बाद पीटर टीटू से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम अपने स्टेप मदर एना को बता देना, वो तुम्हें लाकर दे देगी। लेकिन यहाँ पर टीटू खामोश रहता है क्योंकि उसे लगता था कि पीटर ने टीटू की मॉम को एना की वजह से डाइवोर्स दिया है, इसीलिए वो एना को ज्यादा पसंद नहीं करता था। इसके बाद एना अपनी सिस्टर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि हमारे घर टीटू आया है पर वो मुझे पसंद नहीं करता। लेकिन पीटर उसके आने से बहुत ज्यादा खुश है। तो जब एना घर पर आती है तो उसे वही किचन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है जो एना की बेटियों ने टीटू को गिफ्ट किया था, तो वो उसे अपने बैग में रख लेती है। अगले दिन एना अपनी बेटियों को स्कूल से लाती है तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो टीटू वहाँ पर अपने डैड से बहस कर रहा था, या तो इस घर में एना रहेगी या मैं रहूंगा, और अगर एना रहेगी तो मैं इस घर से जा रहा हूँ। इसके बाद पीटर एना से बात करता है और कहता है कि टीटू को मैंने यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन एना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस उसे इस घर के माहौल में ढलने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब एना जिम से वापस आती है तो वो घर की विंडो का कांच टूटा हुआ देखती है। वो फौरन अंदर जाकर देखती है तो वो समझ जाती है कि उनके घर के अंदर चोरी हुई है, तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। अगले दिन जब वो कपड़े धो रही थी तो उसे टीटू के पॉकेट से वही कीचेन मिलता है जो उसने अपने रूम में रखा था, जिससे वो समझ जाती है कि टीटू ने ही उनके घर में चोरी की है। तो वो जाकर टीटू से इस बारे में बात करती है कि मुझे ये कीचेन घर के बाहर से मिला था, तो मैंने इसे अपने बैग में रखा था और चोरी वाले दिन ये किचन भी चोरी हो गया था और आज ये मुझे तुम्हारी पैंट से मिला है, यानी चोरी तुम्ही ने की है। ये सुनकर टीटू पहले तो मना करता है लेकिन फिर मान जाता है कि वही चोर है और वो इस सब के लिए एना से माफी भी मांगता है। लेकिन एना कहती है कि मैं ये सब पुलिस को भी बता सकती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊँ तो तुम्हें घर के सभी लोगों से अपना अच्छा रवैया रखना होगा। और अब टीटू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो एना की बात मान लेता है और अगले दिन से टीटू एना की बेटियों के साथ अपना रवैया अच्छा कर लेता है और अच्छे से उन लोगों से बात करने लगता है। ये देखकर पीटर बहुत खुश होता है। वहीं एक रात टीटू अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर पर ले आता है और उसे एना से मिलवाता है और इसके बाद ये दोनों ऊपर जाकर रेलगाड़ी चलाते हैं और अमेंडा की आ ओ यस की आवाजें एना को भी आ रही थी, तो वो समझ जाती है कि टीटू जॉनी भैया का ही चेला है और काफी जोर के झटके लगा रहा है अमेंडा को। और एना भी ये आवाजें सुनकर टीटू की फैन हो जाती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसका अपना हस्बैंड तो अब बिकी बिल्ली बन चुका था, वो इस जवान शेरनी का पेट नहीं भर पाता था। तो अगली रात एना और टीटू बातें कर रहे होते हैं तो टीटू एना को क्लब में चलने को बोलता है और वहाँ पर जाके ये दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। तो तभी अमेंडा का मैसेज आता है टीटू को और वो वहाँ से जाने ही लगा था, तभी अचानक एना उसे गीला चुम्मा दे देती है। लेकिन टीटू इस पे उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो एना की इस हरकत से हम समझ पाते हैं कि वो अब टीटू से प्यार करने लगी है। इसके बाद रात को एना टीटू के रूम में जाती है और उसे टच करने लगती है, तो टीटू भी उसे नहीं रोकता और ये लोग यहीं पर रेलगाड़ी चला देते हैं। और इसके बाद तो जब भी पीटर घर पर नहीं होता था तो ये लोग रेलगाड़ी चलाकर खूब मजे लेते थे। इसके बाद एक दिन इनके घर पर पार्टी होती है, बहुत से लोग आए हुए होते हैं, तो एना किसी काम से साइड पर जाती है तो टीटू भी वहाँ उसके पीछे जाकर बहुत सी गीली चुम्मी देने लगता है। और इन दोनों को ऐसा करते हुए एना की बहन लुली देख लेती है और इस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है एना पर और उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। तो एना इस सबसे बहुत ज्यादा डर जाती है और टीटू को जंगल में बुलाकर कहती है कि हमें फौरन खुदाई रोकनी पड़ेगी और इसके बाद हम कभी भी रेलगाड़ी नहीं चलाएंगे, वरना पीटर हम दोनों को मार मार के हमारी पिटिया लाल कर देगा। तो टीटू भी उसकी बात मान लेता है। इसके बाद जब एना जॉगिंग कर वापस आती है तो पीटर उसे कहता है कि मैं और टीटू कुछ दिनों के लिए न्यूयॉर्क घूमने जा रहे हैं ताकि हमारा रिश्ता कुछ अच्छा हो जाए। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी बहन लुली तुम्हें मिलने के लिए बुला रही थी। तो एना लुली के घर जाती है और उसे बताती है कि टीटू और मेरा अब कोई चक्कर नहीं है, मैं उसे अब अपने दिल से निकाल चुकी हूँ। लेकिन लुली कहती है कि सिर्फ दिल से ही निकाला है ना, कहीं और जो डाल ली है। तो ये सुनकर एना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है और घर आकर देखती है कि पीटर और टीटू तो न्यूयॉर्क गए ही नहीं। तो पीटर से एना पूछती है कि इतने जल्दी वापस कैसे आ गए, अभी अभी तो तुम लोग घर से निकले थे। तो पीटर कहता है कि मुझे टीटू ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे और टीटू के बारे में, तुम मुझे ये बताओ कि तुमने टीटू को रेलगाड़ी कैसे चलाने दी, उसने तुम्हारी छोटी सी दुकान को हलवा बना दिया होगा। तो एना टीटू को झूठा साबित करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि टीटू तो यही चाहता है, तुम मुझे डाइवोर्स दे दो और टीटू की मॉम के साथ दोबारा रहने लग जाओ, इसीलिए वो मुझे
बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो पीटर को तो अब समझ नहीं आता कि वो किस पर यकीन करे। तो तभी एना उसे ये भी बता देती है कि तुम्हारे घर में चोरी किसी और ने नहीं बल्कि टीटू ने ही की थी। तो ये सुनकर पीटर एना का यकीन कर लेता है और टीटू को ही झूठा समझने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर और एना टीटू से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर पीटर टीटू से कहता है कि तुमने एना के बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला। तो टीटू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे डैड मेरा साथ नहीं दे रहे और एना की बात का यकीन कर रहे हैं। तो टीटू इन सब से बहुत ज्यादा तंग आ जाता है और वो बोर्डिंग स्कूल जाने का डिसाइड करता है। तो पीटर उसे बोर्डिंग स्कूल छोड़ आता है, लेकिन इसके बाद पीटर बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है क्योंकि वो टीटू को मिस कर रहा था। तो कुछ दिनों के बाद टीटू स्कूल से निकलकर एना के ऑफिस में जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने पीटर को सब कुछ सच नहीं बताया तुम्हारे बारे में तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। लेकिन क्योंकि एना एक लॉयर थी इसीलिए वो टीटू को कहती है कि तुम बिना सबूत के मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो ये सुनकर टीटू का मुंह भी लटक जाता है। तो कुछ दिनों के बाद जब पीटर सो रहा होता है तो टीटू अपने घर पर आता है। तो एना दरवाजा खोलती है लेकिन वो टीटू को अंदर नहीं जाने देती। टीटू कहता है कि मुझे एक बार अपने डैड से मिलना है, लेकिन एना उसे अंदर नहीं जाने देती और दरवाजा बंद कर चली जाती है। तो टीटू रोने लगता है क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा लाचार हो चुका था। इसके बाद हमें एना की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर एना पीटर को बताती है कि टीटू अपने स्कूल में नहीं है और क्रिसमस के बाद उसे किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन पीटर इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो सोच रहा था कि टीटू अपनी मॉम के पास रहने के लिए चला गया होगा। लेकिन अब एना को टीटू की फिक्र होने लगती है क्योंकि क्रिसमस की रात टीटू घर पर आया था लेकिन एना ने उसे घर के अंदर जाने नहीं दिया था। इसीलिए वो सोचती है कि आखिरी बार उसे मैंने ही देखा था और कहीं सारा इल्जाम मेरे ऊपर ना आ जाए। तो इसके बाद हम मूवी का स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जहाँ पर पीटर अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ टीटू को ढूंढने गया था, लेकिन वो एना को बताता है कि पुलिस को टीटू की बॉडी मिली है, अब वो जिंदा नहीं रहा। तो एना पीटर को संभालने की कोशिश करती है लेकिन पीटर एना का मुंह बंद कर देता है क्योंकि वो इस सब का जिम्मेदार एना को ही समझ रहा था। और इसी डार्क पॉइंट पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।